लेकिन ये प्लेट 10 ऑर्डर की है, यही वाली सेम प्लेट इंडिया में 20 रुपए की मिलेगी। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन मैं व्लॉग बनाने के लिए घर से निकला तो था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडियन रेस्टोरेंट का व्लॉग बनाऊंगा। मतलब खाना जरूर गया था वहां पर, लेकिन टॉपिक कोई और था। लेकिन ये व्लॉग अभी मैं बैठा एडिट कर रहा हूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं, और मुझे लगा कि इंडियन रेस्टोरेंट पर ज्यादा बढ़िया व्लॉग बन जाएगा, इसलिए मैं उस पर बना रहा हूँ। एनीवेज, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जो नए आए हैं अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, जल्दी से जल्दी करवा दो। लेट्स स्टार्ट दैट ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। भाई अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया, मैं देखकर हैरान हो गया। बाहर देखकर आप मुझे गैस करके बताओ कि कितना टेम्परेचर होगा, क्या लगता है आपको? धूप निकली हुई है इतनी बढ़िया, थोड़ी थोड़ी सी स्नो पड़ रही है, कितना टेम्परेचर होगा? मुझे लगा था कि होगा कोई -5-6 डिग्री, लेकिन ये देखो -12 डिग्री तो वैसे है ना टेम्परेचर। फील्स लाइक चेक करो नीचे -22 डिग्री, 31 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है। अभी अभी नहाकर हटाऊ मैं, बाल देखो कहाँ तक आए हैं। आज मैं जिंदगी में पहली बार लेंस डालने लगा हूँ। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। ये देखो एक लेंस तो डाल लिया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भाई, मेरी आंख जल रही है इतनी बुरी तरह। इसको मेरी आंख देख रहे हो, ये देखो करीब से देखो, मेरी आंख पानी निकल रहा है आंख में से, ब्लू कलर का लेंस है। अभी तो एक आंख में डाला है, अभी तो एक आंख रहती है। ये देखो दोनों आंखों में डिफरेंस चेक करो जरा। फाइनली डल गए दोनों आंखों में, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, कितने बड़े बाल हो गए। मुझे स्प्रे के साथ सेट करने पड़ते हैं। लेंस देखो यार पहली बार डाले हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। एक फोटो वगैरह आ जाए ना अच्छी तो मजा आ जाए, लेकिन आज बाहर मौसम है नहीं फोटो वाला, क्योंकि बर्फ पड़ी जा रही है और ऊपर से -22 डिग्री टेम्परेचर है ना, लेकिन फिर भी हम करेंगे। पर कोई नहीं चटाक करेंगे। बाहर आज मैं बना नहीं सकूंगा वीडियो, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा हवा वगैरह चल रही है ना, तो फिर आवाज में इशू आता है। अरे भाई बहुत ज्यादा ठंड है, फ्रीज हो रहे हैं, फ्रीज या वैसे बहुत बढ़िया है, स्नो पड़ी नहीं है इतनी, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम स्नो पड़ी है। डाउनटाउन के बीच में है रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हम खाने के लिए आए हैं, और वहाँ पर पीछे गाड़ी लगाई है मैंने 15 मिनट तक की, वहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं, लेकिन अंदर हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा, तो कोई और जगह थी नहीं तो वहीं पर लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं अपना मास्क घर पर भूल गया, जो कि मेरे पास है नहीं, और बाहर है -22 डिग्री। अंदर जाकर अभी किसी से मास्क मांगते हैं, मॉल के अंदर है जहाँ पर हमने खाना है। मुझे तो लग रहा है कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे, क्योंकि मैं अपना मास्क भूल गया। ये देखो इंडिया की तरह सेल लगी हुई है मॉल में, अभी किसी दुकान पे जाके मास्क मांगना पड़ेगा। सैमसंग S21 भी आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था 21 तक पहुंच गए आईफोन वाले, सॉरी सैमसंग वाले। तो ये देख रहे हो पैसेज टू इंडिया, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, पता नहीं कैसा है। ये डाउनटाउन के बीचों बीच बना हुआ है, किसी मॉल के अंदर जाकर डाउनटाउन के बीच में, नीचे बेसमेंट में जाकर बना हुआ है, और बिल्कुल गुड लाइफ जिम के सामने। भाई मतलब रेस्टोरेंट में मिलता है इंडियन फूड, छोले भटूरे वगैरह ना, सारा कुछ, जरा खुद सोच कर यार, जिम के सामने, बिल्कुल जिम के सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है। बंदा जिम लगाकर बाहर निकले और चला जाए सीधा रेस्टोरेंट में, भूख लगी है बंदा, मतलब कैसे आप, हम इंडियंस को, पंजाबियों को ले लो ना, जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो फिर बंदा कैसे, मतलब है ना, वो तो एक बार अगर नाम सुन ले ऐसे फूड का, छोले भटूरे वगैरह ऐसे ना, वो भी कनाडा में, तो बिना खाए तो जाते ही नहीं है ना। और जिम से निकलकर बिल्कुल सामने वो दिखे, और सोचो फिर क्या होगा। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, यहाँ पर अभी हम खाने के लिए आए हैं, अभी तो अंदर जाकर पता चलेगा कैसा रेस्टोरेंट है। अभी वो मुझे मास्क दे कर गए हैं, मैंने इनसे मास्क मांगा था पैसेज टू इंडिया वालों से, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं ना।
ਨੂਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੈਜ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਆਏਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਨੂਡਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆਏਗੀ ਸੈਪਰੇਟ ਬੈਸਟ ਹੈ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਭੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ कह रहे कि डोसे तो है नहीं इनके पास अभी शुरू ही नहीं किया हुआ डोसा लेकिन ये एक लस्सी करवाई है देख रहे हो छोटा सा पैक इतना सा कितने का होगा जरा गैस करो $2.95 का मतलब $2.95 का और बाकी सारा कुछ है इनके पास ऑलमोस्ट ये देखो बटर चिकन बाउल हो गया कड़ी चिकन बाउल हो गया सारा कुछ है राजमा चावल दाल मखनी छोले बाउल ऑलमोस्ट सारा कुछ है इंडियन अब बाकी खाकर पता चलेगा कि कितने का क्या बनता है हमने फिर जाकर फूड ऑर्डर किया एक तो छोले भटूरे और एक नूडल्स और मंचूरियन जो प्राइस रेस्टोरेंट के मुझे फूड का लगा ना वो मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा मतलब बिल्कुल रीजनेबल लगा रीजनेबल से भी कम लगा क्योंकि मंचूरियन और नूडल्स की जो एक प्लेट थी ना पूरी वो $9 की थी और जो छोले भटूरे थे वो $10 के थे एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया जो नोवा स्कोशिया में अब तक मैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में गया हूँ ना उनके हिसाब से मुझे ये जो प्राइस वगैरह लगा ये सही लगा एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन नहीं कहूँगा क्योंकि ब्रैम्पटन में तो इससे भी सस्ता सामान है एज अ स्टार्टअप जो मुझे रेस्टोरेंट की सेटिंग वगैरह लगी रेस्टोरेंट का अपीयरेंस लगा रेस्टोरेंट की पर्सनैलिटी लगी फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो मुझे बढ़िया लगा रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बाकी तो अभी आप वीडियो में देख ही लोगे कि फूड वगैरह कैसा था वहाँ पर निका की वाटरपुर थैंक यू मैं बस वीडियो बना ही रहा था साथ में ही पीछे से आ गए छोले भटूरे बिल्कुल इंडिया वाली फील आ रही है भाई इतने बढ़िया भटूरे मैंने आज तक कनाडा में नहीं खाए पहली बार खा रहा हूँ बिल्कुल इंडिया वाली फील आ रही है बिल्कुल टोटली इंडिया वाली फील लेकिन ये प्लेट $10 की है यही वाली सेम प्लेट इंडिया में ₹20 की मिलेगी लेकिन फिर भी चलो कनाडा तो कनाडा है ना साथ में अचार छोले भटूरे तो हो गए ख़त्म ये देख रहे हो थाली कितनी बढ़िया है पीछे कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा वीडियो ये देखो मंचूरियन आ गया एक और जो चीज़ होती है रेस्टोरेंट में सबसे ज़रूरी वो होती है कि आप कैसे खिलाते हो ना किसी को तो सर्विस तो चलो बढ़िया थी लेकिन उसके अलावा मुझे बर्तन बहुत बढ़िया लगे ये जो छोले भटूरे की आपने थाली देखी ये मेटल की थाली थी पूरी की पूरी बहुत बढ़िया लगी मुझे ऐसी थाली मैंने लास्ट टाइम इंडिया में ही देखी होगी यहाँ पर तो मैंने नहीं देखी थी कनाडा में ब्रैम्पटन में भी नहीं देखी थी बाकी नूडल्स वगैरह भी ठीक थे लेकिन छोले भटूरे मुझे बेस्ट लगे नूडल्स की वो बड़ी बात नहीं बनी नूडल्स मुझे इतने बढ़िया नहीं लगे आपके साथ जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं लेकिन हेलिफैक्स में अभी तक का मुझे सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट यही वाला लगा अब तक मुझे नोवा स्कोशिया में इतना बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं मिला था क्योंकि जो सस्ता भी हो बढ़िया जिसका प्राइस भी बढ़िया हो जिसका फूड भी बढ़िया हो क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही मिलेगा लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था बस यही दो चीज़ें खाई थी जिसमें से मुझे छोले भटूरे ज़्यादा बढ़िया लगे नूडल्स मुझे इतने बढ़िया लगे नहीं लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं और नूडल्स और मंचूरियन मिले भी नहीं अभी तक इसलिए मेरे लिए तो ना से बेहतर कुछ तो बढ़िया है ना यही वाला मेरे लिए बढ़िया था एक हमने मंचूरियन मंगवाया था और एक साथ में नूडल्स मंगवाए थे दोनों आ गए मंचूरियन और नूडल्स नूडल्स की वो बात नहीं बनी सही है इतनी ज्यादा लेकिन वो बड़ी बात नहीं बन रही ये था रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस तो जो टोटल हमारा बिल बना था $10 के छोले भटूरे कुछ ऑलमोस्ट $9 के मंचूरियन और नूडल्स ये जो आपने प्लेट देखी ये नूडल्स और मंचूरियन ये दोनों $9 के बाकी $3 की मे बी $2.50 की लस्सी थी जो जिसका साइज बहुत छोटा था वो भी मुझे बढ़िया नहीं लगा और टोटल बिल कुछ बना था हमारा $22 बहुत बढ़िया आप मानोगे इतना इतने कम में आपको नूडल्स और मंचूरियन और छोले भटूरे तो नहीं मिलेंगे छोले भटूरे और कहीं मिलते भी कहाँ हैं मैंने अभी तक खाए नहीं है यहाँ पर कहीं भी छोले भटूरे हाँ और एक और बात दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड ओके ये मत समझना कि उन्होंने पैसे वगैरह कुछ ऐसे फ्री फूड या कुछ ऐसे दिया है ऐसा कुछ नहीं है मैं बस घूमने गया था बाहर खाने पीने के लिए जो मैंने ऑनलाइन चेक किया मुझे रेस्टोरेंट मिला मैं चला गया और अभी वीडियो अच्छी बनी तो आपके साथ शेयर कर दी बस आज का ब्लॉग इतना सा था अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना कमेंट जरूर कर देना मैंने मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब क्या जाता है ना यू गाइस मैटर्स अ लॉट ठीक है हमारे 38,000 सब्सक्राइबर्स हो गए 50,000 जल्दी से जल्दी पूरे करा दो 100K की तरफ जा रहे हैं हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स ला सकूँ बस अब कंटिन्यूसली आते रहेंगे अपने डेली लाइफ आपके साथ शेयर करता रहूँगा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टे होम स्टे सेफ कीप वॉचिंग कंडा ब्लॉग्स सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस